हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुंबई की बारिश में आपका आपको वेलकम बैक। बताइए कैसा लग रहा है मार्केट में इस समय? एक वन वे तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है पिछले 2-3 दिनों में। गुड मॉर्निंग अनुज। बाहर सब ग्रे मौसम है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ब्राइट करूं आपकी स्क्रीन को। और ये तो खैर बजट आने वाला है, तो मार्केट बजट का इंतजार कर रही होगी, तो 2-3 दिन का तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ज्यादा मायने में मैं तो वैसे भी 2-3 दिन का मूव देखती भी नहीं, ज्यादा मायने रखता है कि 2-3 साल में क्या होगा, और वहीं पे फोकस रहता है। 2-3 साल में क्या होगा? क्या 2-3 साल में हम करेंगे 13-14% का कैगर पॉसिबल? देवीना जी, 2-3 साल का क्या व्यू है फिर मार्केट्स को लेकर? बिल्कुल आप ट्राई करिए। देवीना मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीरेंद्र बोल रहा हूँ मुंबई स्टूडियोज से। हाँ, अनुज, मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अनुज पूछ रहे थे आपसे प्रश्न कि अगले 2-3 साल में 13-14% की कैगर रिटर्न्स पॉसिबल है इस मार्केट में इस प्राइस पे से? देखिए, दो आप क्या रिटर्न आएगा 1-2 साल में वो कहना बहुत मुश्किल रहता है, जिसके कारण मैं कभी भी इंडेक्स टारगेट नहीं देती हूँ, ना जनवरी में ना नए संवत में, क्योंकि वो चीज आप जान ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है जब से बाजार शुरू हुआ है 15-16% CAGR रिटर्न रहा है, जब से मतलब सेंसेक्स बना है समझ लीजिए, पर उसमें बहुत वेरिएशन रहता है और पूरे पूरे दशक ऐसे निकल जाते हैं। जैसे 2010 से 20 का जो दशक था उसमें आपको 9% भी नहीं मिला, लेकिन उसी के कारण अभी आप ट्रेंड लाइन से इतना नीचे हैं कि ये जो 2020 के कोविड लो के बाद जो बाजार चला है फिर भी आप ट्रेंड लाइन तक नहीं आए, इसीलिए क्रैश का जो रिस्क होता है वो बहुत कम है। और जब क्रैश का रिस्क मतलब सस्टेन्ड क्रैश का, बीच में थोड़ा आगे पीछे होना अलग बात है, लेकिन इस कारण से आपको निवेशित रहना चाहिए, लेकिन कहाँ निवेशित रहना चाहिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं तो अभी कहती हूँ बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जो आपका ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उन्होंने स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पिछले 1-2 वर्षों में बहुत अच्छा रिटर्न बनाया होगा, अब वो समय है कि आप वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा जो स्टेडी पोर्टफोलियो है उसमें जाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि आप दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं और इतने अच्छे अच्छे स्टॉक निकाले जो दुगने हो गए, तिगने हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए, लेकिन अब संभलने का समय है जी। अब थोड़ा सा कॉशियस रहिए, और जैसे कि मैम कह रही हैं कि थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपने अच्छा पैसा कमाया है तो उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने का वक्त है। और देखिए, जब हम देवीना मैम से बात करते हैं इस मंच पे, अक्सर उनसे पूछते हैं मैम इस सेक्टर पे, स्टॉक पे आपका आउटलुक क्या है, मैम अक्सर ये जिक्र करती हैं कि PMS में हमारे ये है ये नहीं है, लेकिन ये आज की बातचीत एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे पर है कि मैम ने अपने PMS में क्या बदलाव किया है। मैम मोटे तौर पर जो आपने लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स देखी, उसके बाद US को देखा, इस इलेक्शन आउटकम को देखा, अब एग्जैक्टली इस वक्त आप लोगों ने अपने PMS में क्या मोटे तौर पे बदलाव किए हैं, क्या एग्जिट किया है, क्या एंट्री की है आप लोगों ने इस वक्त? देखिए, हम लोग हर तिमाही पे बिल्कुल बेस जीरो से रीबैलेंस करते हैं कि आज हमारे पास कैश होता तो हम कहाँ निवेशित रहते। तो जो हमारे सिस्टम्स ने और हमारी एनालिसिस ने जो किया है, एक तो है बैंक्स में हम लोग बहुत अंडरवेट हैं, तो अंडरवेट तो अभी भी है, लेकिन अभी कुछ PSU बैंक्स बेचकर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक लिए हैं। सबसे जो ऐसी चीज हमारे सिस्टम्स ने की कि जितने भी नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट से रिलेटेड, और जितने स्टॉक्स हमारे पास थे अब हमारे सिस्टम्स को उनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो वो सब बेचे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स और हेल्थ केयर फार्मा में हम लोग पहले से ही कुछ ओवरवेट थे, पर वो स्टॉक्स अभी भी हमारे सिस्टम्स को बहुत अच्छे लगे, कुछ और उसमें खरीदे हैं जो हमारे पास पहले नहीं थे, तो वहाँ ओवरवेट थोड़ा ज्यादा हो गया है। IT में थोड़ा एडिशन किया है, IT में भी ओवरवेट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा
मोटे तौर पे एक नया सेक्टर, जो काफी हद तक नया सेक्टर हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगा है, वो है केमिकल्स। सो केमिकल्स ऐसा सेक्टर है जहाँ 2021 वगैरह में पैसा बना था, और पैसा बनाया भी, और उसके बाद जब सिस्टम को अच्छा नहीं लगा तो उससे निकल गए। अब एक बार फिर बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स उसमें आ रहे हैं। केमिकल्स में आपको थोड़ा देख के लेना पड़ता है, क्योंकि केमिकल्स में बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका जो उत्पाद है वो किसी और कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है, तो जो अगली कंपनी है चेन में उसके लिए वो अच्छा न्यूज नहीं है, तो वो आपको देखना है। पर केमिकल्स के काफी स्टॉक्स इसमें आए हैं इस बार। ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, फार्मा, आईटी, ये सब में बढ़ोतरी की है। आईटी मेंशन किया क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था। अब मार्केट हालांकि ओवरनाइट डेवलपमेंट में शायद थोड़ा कुछ उससे चेंज आए, लेकिन मार्केट ये अगर मान के चले कि डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो क्या उससे एक ये अजम्पशन ली जाए कि डॉलर वीक होगा और इसके लिए आईटी, शायद केमिकल्स तो आपने ऑलरेडी मेंशन किया, इवन मेटल्स, क्या आईटी में ये भी एक कारण हो सकता है या फिर सिर्फ ये अर्निंग्स देखकर आपने एक पॉजिटिव व्यू लिया है? आईटी तो हम लोग कुछ समय से देख ही रहे थे। मेरे ख्याल पिछली बार भी आपके चैनल पे आए होंगे तो मैंने ये जरूर कहा होगा कि आईटी हमको लगता है कि इस साल किसी समय बॉटम आउट हो जाएगा, और हम लोग उसके लिए देख रहे हैं, और वो वैसा हुआ भी। और आईटी का जो जो फंडामेंटल्स पे तो अभी ही अच्छा लगता है, तो ये हमारा कॉल इसलिए नहीं है कि डॉलर वीक हो जाएगा। अभी तो खैर इलेक्शन का रिजल्ट भी, नतीजे जब आएंगे तब मालूम चलेगा। और क्या करते हैं ट्रंप जी, अगर वो वापस राष्ट्रपति बनते हैं, वो सब तो देखने की बातें हैं, तो अभी उसका कॉल नहीं है। मैम, आपने जो बात कही थी शुरू में, जिसको मैंने आई थिंक इस इंटरव्यू का अब तक सबसे महत्वपूर्ण अंश माना है, पीएसयू बैंक्स को आप लोगों ने अब थोड़ा सा एग्जिट किया है, प्राइवेट बैंक्स में एंट्री की है, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स को अवॉइड किया है, बट एज फार एज लेंडिंग फाइनेंशियल्स इज कंसर्न, उसमें HFCs में मैम बहुत हमने बड़ा मूव देखा है इस बार। रियल स्टेट इज डूइंग क्वाइट वेल, आई थिंक आज रेडी को ये ओबरा रियल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। रियल स्टेट प्लस HFCs पे आपका आउटलुक क्या है मैम इस वक्त? उस सेक्टर में हमने निवेश नहीं किया है। रियल एस्टेट बीच बीच में अच्छा करता है, पर वो थोड़ा सा रिस्की स्पेस है। हमने उसमें कोई विशेष निवेश किया नहीं, तो उस पर मेरा कोई बहुत ही अभी भी कोई मतलब हमारे सिस्टम्स को भी कोई विशेष अच्छा नहीं लगता, तो वो हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं उसको। केमिकल्स में आपने बोला कि आप पॉजिटिव हैं, तो जैसा आपने बोला केमिकल्स में काफ़ी बड़ी बास्केट है, तो किस तरीके के, क्योंकि आप स्टॉक्स के नाम नहीं लेंगे, लेकिन किस तरीके के केमिकल्स में आप ज़्यादा पॉजिटिव हुई हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स या कुछ और तरीके के केमिकल्स? केमिकल्स में काफी तरह के सेगमेंट्स में कंपनीज आई हैं, मतलब पेट्रोकेमिकल्स में भी, नॉन पेट्रोकेमिकल्स में भी। तो वो उस सेक्टर में मतलब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो स्टॉक्स देखने पड़ते हैं कि वो कौन सा उत्पाद बना रहे हैं और उसमें क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, तो वो वैसा ही हम किया भी है। तो ऐसा बहुत क्लियर नहीं है, खाली एक ही सेगमेंट है केमिकल्स में जो अच्छा चलिए। करे। अच्छा मैम, जब आपने पीएसयू बैंक्स का यहाँ पे जिक्र किया कि अब हम लोगों ने इनको थोड़ा सा ऑफलोड किया है, पीएसयू पूरी की पूरी बास्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चली थी, नॉट एग्जैक्टली आई थिंक दिस मूव वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू पीएसयू बैंक्स, चाहे आप लीजिए OMCs को लीजिए, आप रेलवे कंपनियों को लीजिए, आप डिफेंस कंपनियों को लीजिए, मैम भले ही आपके ये PMS में इंक्लूडेड हो या ना हो, फिर भी लेकिन आपके एक मैं एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूँगा, पीएसयू एज होल आपको लग कैसा रहा इस वक्त? देखिए इसमें भी वही है कि आप OMC का और डिफेंस का डायनामिक्स एकदम अलग है, तो आप सबको एक PSU बास्केट में ही नहीं डाल सकते, आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। पर अब हमारा ओवरऑल भी PSUs में, मैं देख रही थी कि एक्सपोजर अब काफी कम है, तो फाइनेंशियल्स के अलावा जो एक सेक्टर अभी हम काफी अंडर वेट है वो है यूटिलिटी, जिसमें पावर आता है। तो अभी जो पावर वगैरह के स्टॉक्स थे ज्यादातर, अब इस सब इसी तिमाही में नहीं लेकिन धीरे धीरे करके एग्जिट हो गए। ओके, चलिए देवीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। एंजॉय योर स्टे इन मुंबई। शुक्रिया। चलिए अब आगे